बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान की जय। वाह जी वाह, बिल्कुल जी, रोम सुना रोम दो में राम। बड़ी सुंदर अरदास है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, तो ये हमारे लिए भी है, भी हमारी तरफ से भी यही प्रार्थना है, बिल्कुल प्रभु रोम रोम में हमारे राम जाए और आप लोग संतों के दर्शन होते रहें। देखो, फाजिल्का की धरती को प्रणाम है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत साधु संतों का बड़ी कृपा है। ये साधु संत, मैं वहां पे मुझे पता लगता रहता है, काफी साधु संतों का वहां पे आगमन होता है, और ये यहाँ अनु भक्तों और ये इनके परिवार को, जहाँ पे आप आए हुए हैं, इनको सबको बहुत बधाई है कि संत महात्मा आए हैं, गुरुजन आए हैं। तो और ना। रीना बुआ जी को भी, जिन्होंने यस हमारे, हम धन्यवाद करते हैं इनका, आपके दर्शन करवाए हैं, तो हम हाँ, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद जिस हैं। घर में मैं रुका हूँ ना, माता जी से बात कर लो। हमारे जो गुरु परंपरा से गुरु बहन है हमारे, जय अच्छा सियाराम अच्छा भैया, जय जय श्री सियाराम। राम आप जी, आपके चरणों में प्रणाम सारी संगत की तरफ से। वाह वाह, सुनाओ, कोई दो लाइनें सुनाओ, दो लाइनें सुनाओ, कोई मैं सुनाओ, दो लाइन भजन सुना गाना दो जी का भजन बनाया ना, वो सुना दो। पहले। चलो सुना दो। हाँ, वो सुनाते हैं, और फिर जो महात्मा जी से भी गुजारिश करते हैं, ये बात ठीक है। हाँ मैं महात्मा जी, जी आपको गुरु जी बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं, मुझे पता नहीं, माफ करना, क्या क्या आपको सारे कैसे जी संबोधित करते हैं? जी कैसे बुलाते हैं लोग जी आपको, कैसे एड्रेस किया जाए आपके, कैसे आपको बुलाते हाँ हैं महाराज? गुरु जी ठीक है, गुरु महाराज जी भी, जी, गुरु जी, गुरु गुरु जी बोल दो। जी, हाँ ठीक नहीं, है, सब लोग क्या गुरु जी बुलाते हैं आपको, सब लोग कैसे जी बुलाते हैं, जी ठीक। सब लोग कैसे बुलाते हैं आपको? गुलाटी साहब मैं भी गुरुजी पिताजी बोलते को, डैडी को, हैं, मॉम। महात्मा हाँ महाराज जी बोलते हैं, कई बोलते हैं नाम बोलते तो। हैं। अच्छा महाराज जी जी, जी महाराज जी जी, तो बोले मैं ये मेरे जो मन की एक इच्छा है, जो जी। कि शायद आपको पता नहीं, अटपटी सी लगेगी, मेरे मन की ये हाँ इच्छा है, मेरी संगत में भी कईयों को लगता भी है, क्या बात कर रहा है, लेकिन ये मैं, मेरे मन की ये इच्छा है महाराज, भी प्रभु जो है, ये कर्मों की थ्योरी है ना, ये या तो चेंज कर दें कर्मों का, या क्या करें, भी कर्म की थ्योरी में सबसे शुभ कर्म कराएं, सबसे शुभ कोशिश कर्म तो वही कराएं। होता है, सबको शुभ कर्म कराने की कोशिश होती है। अब भक्तजन की जैसी आस्था होती है, वैसी जो है सेवा होती है भगवान के साथ। वही तो कह रहा हूं, भी सबसे शुभ कर्म करवाएं, ताकि कोई किसी को पाप लगे ही ना। मेरा ये मानना है कि इतने जुर्म, इतने ये जो जो बुरे कर्म होते हैं ना, तो मन दुख होता है। प्रभु की धरती है, जहाँ पे भगवान राम, भगवान कृष्ण खुद आए हैं, है ना, तो इसलिए अवतारों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, और यहाँ पे भी इतने जो दुष्कर्म जो होते हैं ना, तो मन को बड़ा मतलब पीड़ा होती है, तो इसलिए ये मेरा सब हम मानना संकट मानना तो ले है। रहे हैं, फिर भी हाँ चलो जी, भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ की कार्य होते रहते हैं, कुछ कुछ ना कठिनाई ना, कुछ ना कुछ भगवान जब बहुत होते हैं, नहीं, सत्य कर्म भी ऐसा बड़े नहीं होते सुनो, हैं, लेकिन मैं कहता ऐसा हूँ, जो जो बुरे कर्म भी होते हैं, बिल्कुल ही ना हो तो ऐसा क्यों नहीं आ सकता, सत्य कर्म युग क्यों नहीं ऐसा आ नहीं। सकता? देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है ना भगत जी, देखो राम के समय भी रावण था, कृष्ण के समय भी कंस था, ठीक मैं है। देखो समझता हूँ महाराज, आप ये यही बात समझ लो कि समय समय कर जब देवता आएंगे तो दानव भी आएंगे, दानव के साथ ही उद्धार होता है, तो देवता है उसकी उद्धार करने के लिए इस धरती में कोई ना कोई दानव रूपी बनकर आते हैं, इसलिए उसमें ये शुद्ध रूप से भगवान अकेले आके भी ये सृष्टि संरचना नहीं हो सकती है, इसलिए दानव को भी जरूरी है। ये तो मेरे ख्याल से भी, अगर दानव कोई हो ही ना, सारे सारे भगवान का ऐसे कोई वो गान तो करते हैं, तो क्या सृष्टि में प्रॉब्लम पालन है? करता में कभी हो नहीं सकता, है? ये सृष्टि के अंदर कोई विश्व में ऐसा परिस्थिति कभी हो नहीं सकता। अब महाराज, ऐसा आप मत करें, एटलीस्ट आप मत कहें ऐसा। देखो, आप संत लोग ये कहें कि हम कोशिश करें, हम प्रभु से, वो कुछ मेरा भी तो यही करने के, प्रेरणा है, सुनिए क्या होता है ना, हमारे से प्रभु से यही प्रेरणा होता है कि हर भक्त हर घर में भगवान ठाकुर जी पैदा हो, हर घर में भगवान के संत स्वरूप कोई बच्चा पैदा हो, हम तो यही चाहते हैं। पर कर्म
कालांतर में पिछला कर्म कोई कर्मों का खेल, तो ये कुछ ना कुछ कठिनाई माता पिता के लिए भी आती है, उन बच्चों के लिए भी आती है। जो भगवान देखो, करता है उसी को अच्छा करता है करके अपने जीवन को चलाना होता है, यही भगवान के भक्त। वो तो ऐसा कर ही रहे हैं। हम गुरुमुख लोग हैं ना, तो आप संतों की कृपा से, मेरे माता पिता, मेरे संतों गुरुजन की कृपा से, हम लोग, हमें अपने के लिए, अपने आप इतना जीवन सुंदर है। मेरा तो रोज का उत्सव होता है। बहुत बढ़िया, हमारे बहुत जैसे अच्छा। भक्त जो गुरुमुख हैं, उनके रोज का उत्सव है। मैं हर को, मेरे को बिल्कुल अपने लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं दुनिया के लिए हाँ बोलता हूँ भी। इतने कईयों को कष्ट सहने पड़ते हैं, कईयों को रोगी होते हैं। धरती में देखो, दुनिया कहते हैं ना, आप अच्छे होंगे तो आपके पीछे बुरे 50 होंगे, ये संसार की ये नीति है, कर क्या सकते हैं इसको। इसलिए कहते हैं पीछे मोड़ो मत, आगे ही बढ़ो। ठीक है, चलो, मैं तो फिर भी ऐसा मानता हूं कि प्रभु कुछ भी करने में सक्षम है। ये तो आप मानते हैं, जो इसमें कुछ कराता वही है, आप वही ये एक बात का मुझे थोड़ा सा संशय क्लियर करें, ये बताएं भी। जी। मैं समझता हूं भी प्रभु कुछ भी करने में सक्षम है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सक्षम है, ये तो हम भी जानते हैं, हम भी सोचते हैं, जो कराता है वही प्रभु कराता है। तो सक्षम, अगर सक्षम है तो सभी से गुणगान करवाएं, अपना सभी को पाप मुक्त करें, ऐसा मेरा पाप मुक्त मानना है। करने के और लिए मेरी, अच्छा, तो मेरी तरफ से आप, खुद मैं आपको को पता है, आपका कहना। हाँ समय हाँ बड़ा कीमती है, आपके पास बड़े भक्त कोई लोग दिक्कत बैठे हैं, मेरे जैसे ऐसे संशय वाले नहीं बैठे हैं, है ना। तो नहीं, आपका, कोई उनको आप आशीर्वाद दें। मुझे, मेरी तरफ से मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ, मैं सारी संतों को ये कहने वाला हूँ, जिस चीज को भी मिलूंगा, मेरे बड़े संतों का आशीर्वाद है जी, मुझ बिल्कुल पे, मैं सबको बिल्कुल यही गुजारिश करने वाला हूँ भी, आप भी, क्योंकि आप मंत्री हैं प्रभु के, तो आप हाँ उनको आके बोलें कि प्रभु, ये भाई बुद्ध प्रकाश ने गुजारिश की है या संगत ने गुजारिश की, आप इसके ऊपर चर्चा करो, आप अपने देवताओं के साथ मीटिंग करके देखो भी, सभी को शुभ कर्म करवाएं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ देखो, में आता। हमारे तो हम जब जिस जिस घर में जाए, जिस संगत में जाए, जहां जिस धरती में जाए, हमारा तो कोशिश वही होता है। अपने अपने भक्तों के अपने अपने विचार होती है, सबके अपने जैसे एक जैसे विचार नहीं हो पाता है। कोई आता है तो कोई नहीं आता है, कोई रोता है तो कोई हंसता है। इस दुनिया में जो आया है कुछ ना कुछ कर्म करता है, बस वही है कि कहते हैं डाकू भी नाम लेकर जाता है और सज्जन भी नाम लेके जाता है। ये दोनों का ही चरितार्थ इस धरती में है। अच्छा चलो, अब मेरे से सुनिए अब ये भजन। ये मेरे को हुक्म लिया लगाया हाँ इन्होंने, तो समझ मैं आपको गए, भजन सुनाता हूं, और वो भजन मेरी गुजारिश है एक प्रभु से, हैं। ठीक है तो और वांके बिहारी लाल की जय, राधा बिल्कुल रानी की जय, लाए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार कान्हा, हाँ लाए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार कान्हा, यूं ही लुटाते रहना, यूं ही लुटाते रहना तुम प्यार प्यार कान्हा, लाए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार कान्हा, मेरी आत्मा का तूने किया श्रृंगार कान्हा, मेरी आत्मा का तूने है किया श्रृंगार कान्हा, यूं ही लुटाते रहना तुम प्यार प्यार कान्हा, लाए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार कान्हा। मैं खो रहा था जीवन संसार की डगर पे, तूने मुझे निकाला माया के इस भंवर से, करके तरस किया है मेरा उद्धार कान्हा, करके तरस किया है मेरा उद्धार कान्हा, यूं ही लुटाते रहना सखा, यूं ही लुटाते रहना तुम प्यार प्यार कान्हा, लाए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार कान्हा।
जग सारा जल रहा है नफरत की इस अगन में, जग सारा जल रहा है विषयों की इस अगन में, काम क्रोध रच गया है कलयुग की इस पवन में, काम क्रोध रच गया है कलयुग की इस पवन में, ले लो शरण में अपनी करो भव से पार कान्हा, ले लो शरण में अपनी करो भव से पार कान्हा, यूं ही लुटाते रहना तुम प्यार प्यार कान्हा, ले आओ सबकी जिंदगी में तुम बहार कान्हा, वाह, ले बहुत आओ सुंदर। सबकी जिंदगी में तुम बहार कान्हा, सब शुभ कर्म कमाए पाप मुक्त सब हो जाए, ये मेरी अरदास प्रार्थना बहुत प्रभु बहुत के सुंदर चरणों में। आपकी अरदास ठाकुर जी सुने, गंगा मैया सुने, हमारे गुरु महाराज सुने, आपकी अरदास को हम पूरे भारत वर्ष में फैलाकर इस भारत वर्ष को राममय बनाए, कृष्णमय बनाए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आखिरी अंतरा, बहुत सब शुभ बहुत कर्म कमाए पाप मुक्त सब हो जाए, गुण गान तेरे गा के धरती पे स्वर्ग लाए, गुण गान तेरे गा के धरती पे स्वर्ग लाए, तेरे सखा ये बुद्ध की सुन लो पुकार कान्हा, बहुत अपने सखा ये बुद्ध की सुन लो पुकार कान्हा, यूं ही लुटाते रहना, यूं ही लुटाते रहना तुम प्यार प्यार कान्हा, यूं ही लुटाते रहना तुम प्यार का खजाना, लाए हो सबकी जिंदगी में, ले आओ सबकी जिंदगी में तुम बहार काना, ले वाह, आओ सबकी जिंदगी में तुम बहार काना, सबकी आत्मा का कर दो सुंदर श्रृंगार काना, सबकी आत्मा का कर दो सुंदर श्रृंगार काना, बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा बहुत रानी की जय, सियावती रामचंद्र धन्यवाद महाराज की जय। थैंक आपको, बहुत 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 आशीर्वाद। इसी तरह आपकी भजन, आपकी भक्ति, आपकी जो गुरु भक्ति, आपके माता थैंक पिता का जो कृपा आशीर्वाद आपको अनंत फल से जो है सिंचित करे आपके जीवन में, आपके बच्चे भी इसी तरह आपके जीवन को आगे बढ़ाते रहे, ये हमारी वाह सबकी आशीर्वाद है। वाह, ठीक ये तो है, इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, जब बच्चे भी इस तरफ जुड़े, थोड़ा जुड़े हुए हैं और भी जुड़े तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ेंगे बेटी जुड़ेंगे तो बहुत जुड़ी हुई है, जुड़ेंगे, बच्चे आप थोड़े आइए, कम है हर बार आइए जरूर। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने दर्शन दिए, चलो आपका धन्यवाद, और जिन्होंने दर्शन कराए, बीना बू और अनु जी और सबका, सारे परिवार का और सबको बहन जी का, सबको नमस्कार, प्रणाम जय जयकार, सारी संगत की तरफ से प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जय हो, धन्यवाद, संगत ने दर्शन जय हो, जय हो, जय, किया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको नमस्कार, जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय, मेरे सच्चे सद्गुरुदेव महाराज की जय। राधे हाँ जी, राधे 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 राधे, पूजा आप लगा लो हाजिरी, अगर वहां समय है तो।